अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये वाली जो ड्रेस की वीडियो है, क्लिप, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो से अपने चैनल की वीडियो में से निकाल के डाली है। अगर आपको ये अच्छी लगे तो ये आप जो है मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये एक और ड्रेस डिज़ाइनिंग है जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है वीडियो। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो जाकर उस वीडियो को देख लें, जो कि बहुत अच्छी है। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो कैसे हैं आप सब। और ये मैं बाजू का डिज़ाइन दिखा रही हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा चुड़मुड़ा सा हुआ है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने इसको प्रेस किया था। ऐसा नहीं है कि प्रेस नहीं किया, बट ये मैंने इसको वीडियो बनाते बनाते दो तीन दफ़ा बनाई तो अच्छी नहीं लगी, तो फिर जो है इस तरह से इसकी शक्ल निकल आई है, तो उसके लिए सॉरी, इसको इग्नोर कर दें। और जो ड्रेस है बहुत खूबसूरत है, वर्दा की शर्ट है और डिज़ाइन ब्लैक एंड वाइट बहुत खूबसूरत है, और इस पर डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी हुई है। फुल वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इसकी ड्रेस की डिज़ाइनिंग कितनी खूबसूरत है। ये आपको बाजू की डिटेलिंग बताई हुई है कि किस तरह से ओपन है हाफ बाजू इसका, ऊपर भी सिलाई लगी हुई है, यहाँ से थोड़ा सा खुला होगा नीचे से। तो ये अब मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। और यहाँ पर पट्टी लगी हुई है गले के ऊपर, और गला जो है इस तरह से थोड़ा सा ओपन है। और ये जी बाजू हैं, अब मैं आपको इस तरह से खोल के दिखाऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने ये ओपन है और कहाँ तक इनकी जो है वो डिज़ाइनिंग हुई हुई है। सिंपल है बट बहुत प्यारा है, पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। ब्लैक एंड वाइट वैसे ही बहुत एलिगेंट ड्रेस होता है, डिज़ाइनिंग इसकी ऊपर से अच्छी है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये शर्ट शेयर की है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। पहले वाली शर्ट भी मुझे बहुत पसंद है। आप कहते होंगे कि मुझे तो हर चीज़ ही बहुत पसंद है, इसलिए पसंद है क्योंकि जब मैंने पैसे लगाए हैं तो ज़ाहरी बात है मुझे पसंद है तो मैंने लगाए। तो जी, इसका जो आगे वाला घेरा है वो छोटा है, पीछे वाला इसका घेरा बड़ा है, और इनके दरमियान में जो फ़र्क है वो एक हाथ का है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो डिज़ाइन मैंने देखा था उसका इतना था, बट मेरे ख्याल में इतना मेरे लिए जो है पहनना मुनासिब नहीं था, इसलिए मैंने इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा डिसेंट वे में करवा लिया। मेरे ख्याल से मुझे ये डिसेंट लग रहा है, ठीक है। और आप चाहें तो इसको ऊँचा भी करवा सकते हैं। ये इसका ट्राउज़र है जिसके ऊपर ब्लैक पट्टी लगी हुई है साइड पर, और इसके ऊपर फुल लेंथ में ब्लैक पट्टी लगी हुई है, ठीक है। वाइट ट्राउज़र है, सेल्फ प्रिंट है, फुल लेंथ में इसके ब्लैक पट्टी लगी हुई है, और इसमें जो मेटल के जो हैं वो पांच इसके बटन्स लगे हुए हैं, और ये ओपन भी है थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग जो है अच्छे से देख लें। और पाइपिंग की भी है नीचे, फोल्ड करके, फोल्डिंग करके पाइपिंग है, और थोड़ा सा यहाँ से ओपन है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन है ब्लैक एंड वाइट के साथ। ये वाइट ट्राउज़र आप और भी ट्राउज़र्स अपने ड्रेसेस के साथ पहन सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट का यही तो फ़ायदा होता है, आप उसको डिफरेंट शर्ट्स के साथ भी चला सकते हैं, अपनी बचत कर सकते हैं। जो गर्ल्स होती हैं, स्टूडेंट्स होती हैं, पढ़ने वाली होती हैं, वो तो ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट में ही नज़र आती हैं। जब मैं ज़्यादा कॉलेज जाती थी तो मैं ब्लैक एंड वाइट पहन लेती थी, लेकिन अब तो यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो उसके लिए मैं ब्लैक एंड वाइट कम यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये सेकंड ड्रेस है, ये 17 to 18 ईयर्स की लड़कियाँ इसको पहन सकती हैं, बड़ी भी पहन सकती हैं, बट मेरे ख्याल से उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है। ये ओपन नहीं है बट इसका स्टाइल ऐसे ही है जैसे ये ओपन फ्रॉक होती है, बटन्स लगे हुए हैं, ठीक है। इसके बाजू भी फोल्डिंग वाले हैं, इसकी नीचे लेस लगी हुई है। आपको दिखा दूँ कि ये ओपन स्टाइल में नहीं है, ठीक है, बंद ही है ये सारी फ्रॉक जो है ये बंद है। बाजू इसके जो हैं इस तरह से फोल्डिंग पट्टी लगी हुई है और एक बटन लगा हुआ है, ठीक है। और ये इसका ट्राउज़र है। आई होप आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। खुदा हाफिज़।